ओम शांति। आज का दिन हम सभी के लिए हमारे जीवन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला सुंदर दिन है, जबकि स्वयं बाबा अपना धाम छोड़कर हम सभी से मिलने, श्रृंगार करने, शक्तियां देने, वरदानों से झोली भरने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। तो सभी अपने भाग्य को देखकर बहुत आनंदित हों, अपने भाग्य का चिंतन करें कि हम जैसा भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं। जो पहली बार बाबा से मिल रहे हैं वो हाथ उठाएंगे। अच्छा, बहुत सब हैं। आप सभी को आज चारों युगों में सर्वाधिक सुख प्राप्त होगा। आप सभी अपने लिए शुभ भावना रख लें, ये कामना करें कि आज का ये प्रभु मिलन हमारे श्रेष्ठ भाग्य के द्वार खोले, हमें इस पूरे जीवन में ये अनुभव कराए कि हमारा जीवन देवताओं से भी अधिक सुखकारी है। आज सभी दो वचन बाबा को दे देंगे, चिंतन चर्चा हम थोड़ी उस पे ठहर के करेंगे। मैं आपको वो संकल्प दे देता हूं, क्योंकि पहली बार मिलने वाले बहुत भाई बहने आए हैं, मिलन का अनुभव हमारी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर होता है। जिन्होंने अपने जीवन को पवित्रता की दृढ़ धारणा से भरपूर किया है वो तो बहुत भाग्यवान है ही, उन्हें प्रतिज्ञा करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने पवित्रता के मार्ग पर अभी कदम रखे हैं, वो आज बाबा को वचन दे दें प्रकृति को पावन बनाने के लिए, अपना श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करने के लिए और ईश्वरीय कार्य में संपूर्ण सहयोग देने के लिए हम संपूर्ण पवित्रता का पालन करेंगे। पहली बार आने वालों से पूछता हूं, क्या ये वचन देंगे? जो देंगे हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। बाबा को पवित्र आत्माएं सबसे ज्यादा प्रिय हैं। बाबा को वो बहुत प्रिय हैं जो दूसरों को सुख देते हैं। दूसरी धारणा, आज अपने से भी संकल्प कर लें और बाबा को भी वचन दे दें, हम सभी को सुख देंगे। हमारा जन्म भी दूसरों के कष्ट हरने के लिए हुआ है। हमने ये ब्राह्मण जीवन पाया है विश्व का कल्याण करने के लिए। सारी वसुंधरा को दुखों के पहाड़ों से मुक्त करने के लिए सभी संकल्प कर लें। हम सच्चे मन से एक ऐसी नेचुरल भावना अपने जीवन में ले लें, मन में ले लें कि हमारा जीवन सुखदायी है। सुख देने के अलावा हम और कुछ भी नहीं जानते। तो हम बाबा से मिलने की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। हम यहाँ पर बैठकर कुछ बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे और मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें भी रखना चाहूंगा कि सभी का पारिवारिक जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाए, सभी का अपना जीवन सुखों से भरपूर हो जाए। मेरा एक संकल्प है सभी भाई बहनों के लिए, ध्यान से सुन लेंगे। आने वाले समय में हम सब जानते हैं कैसा समय
आ रहा है तेजी से। संसार को किस विकराल काल से गुजरना होगा। ऐसे समय के लिए सभी भाई बहने अपने घर को महान तीर्थ बनाएं, ताकि समस्याओं से लेकर लोग समस्याओं को लेकर आपके पास आएं, 10 मिनट आपके घर में बैठें और समस्याओं से मुक्त होकर जाएं, दुखों के पहाड़ों के साथ आपके घर में प्रवेश करें और सुखों से अपने जीवन को भरपूर करके जाएं, 10 मिनट उनके जीवन को बदलने वाला हो जाए, आपके घर जिसको महान तीर्थ बनाना है, जिसको सुंदर मंदिर बनाना है, वो ऐसा हो जाए कि वहां के वाइब्रेशंस सभी के तनाव को समाप्त करने लगे, अशांत मन वहां आते ही चैन की सांस लेने लगे। इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। सभी अपने मन में संकल्प करें, हमें ये जीवन ईश्वरीय आनंदों में, उससे निरंतर मिलन में, उससे सर्व खजाने भरपूर करने में व्यतीत करना है। जो मनुष्य अपने जीवन को महत्व देता है, वही संसार में बहुत योग्य बन जाता है। उसे सारा संसार महत्व देता है, वो संसार के अनेक लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। तो महान कार्यों के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम बाबा का आह्वान करेंगे। अब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, रेड लाइट करेंगे, चलें सभी बाबा का आह्वान करें। इससे पहले ब्रकुटी सिंहासन पर बैठ जाएं, मैं चमकती हुई ज्योति, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, परमधाम से ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही हैं। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। आज हम सभी का श्रेष्ठ भाग्य है, सभी विचार करें जिसके सेकंड के दर्शनों के लिए हम युगों से इंतजार करते थे, जिसको मिलने के लिए हम त्याग और तपस्या किया करते थे, जिसका एक शब्द सुनने के लिए न जाने क्या क्या साधनाएं करते थे, वो स्वयं हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। उसे आज आप सभी जी भर कर देख लें, जितना चाहे अपनी बुद्धि के तीसरे नेत्र से उसे देख लें, ताकि जन्म जन्म की उसे देखने की प्यास बुझ जाए। सभी संकल्प करें, कौन आज हमसे मिलने आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात इस संपूर्ण जीवन के लिए कि बाबा हमारे लिए केवल भगवान नहीं है, वो केवल सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन वो हमारा है। सभी चिंतन के द्वारा अपने अंतर चित्त में इस भावना को समा दें कि वो मेरा है, उससे अपनापन, बहुत अपनापन आज भी फील करेंगे। बाबा हमारे सामने बैठेगा, हमारा होकर, भगवान के रूप में नहीं, ऑफिशियल रूप में नहीं, संपूर्ण प्यार की बरसात करते हुए, क्योंकि वो प्यार का सागर है, सबको वरदान देते हुए। तो मैं आप सभी को फिर से ले चलता हूं, हम बाप दादा का दो मिनट के लिए आह्वान करेंगे और सभी अपने अपने घरों में रोज 5 बार ऐसे ही आह्वान किया करेंगे। ले चलें बुद्धि को परम धाम में, सामने महाज्योति, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान बाबा के स्वरूप को क्लियर देखें। बहुत प्यार से बाबा को निमंत्रण दें, हे प्यार के सागर, खुदा दोस्त, हे सर्वशक्तिवान, हम आपके प्यारे बच्चे, नैन बिछाए आपका आह्वान कर रहे हैं। रीत की रीत निभाने के लिए अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर शिव बाबा नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें महाज्योति अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए
सूक्ष्म लोक में, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। दिव्य फरिश्ता आकाश मार्ग से अपना दिव्य तेज चारों ओर बिखेरते हुए नीचे और नीचे आ गए मेरे सम्मुख। दृष्टि दे रहे हैं, अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से शक्तिशाली वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। बाबा बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित सदा तुम्हारे साथ हूं। ओम शांति। सभी अपने अपने घरों में 5 बार बाबा को इस तरह बुलाएंगे, भाई बहने अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस सेंटर में बाबा का सुंदर स्वरूप देखेंगे कि उनके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, हमारा सारा घर, सारा सेवा केंद्र उनकी किरणों से भर गया है। जिस घर में 5 बार, जिस सेवा स्थान पर 5 बार बाबा आने लगे, वो स्थान सचमुच महान तीर्थ बन जाएगा, ईश्वरीय वाइब्रेशन से भरपूर हो जाएगा और वहां जो भी आएगा प्रभु मिलन का आनंद लेगा। सभी को अपने अपने घरों के माहौल को 3 चीजों से भरना है, आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। याद रखेंगे इस बात को कहने से पहले एक सुंदर बात आप अपने पास नोट कर लें, जब किसी मनुष्य का चित्त शांत हो जाता है तो उसकी सभी समस्याएं भी शांत हो जाती हैं। बहुत डीप फिलोसफी है ये हमारे संपूर्ण जीवन की। तो सभी अपने घर को खुशी, प्रेम और हल्केपन के वाइब्रेशन से भरपूर करें। 3 ये सुंदर धारणाएं आपने इन पर क्लासेज में भी कुछ अवश्य सुन लिया होगा। घर में खुशी का माहौल हो, छोटी छोटी बातें किसी की भी खुशी को नष्ट न करें। परिवारों में, काम धंधे में बातें तो आती रहेंगी, परंतु इसके लिए एक धारणा सभी अपने जीवन में नेचुरल बना दें कि बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करते चलें। जो लोग बातों को बढ़ाते हैं, जो छोटी बात को टेंशन बना देते हैं, वो बातों में उलझ जाते हैं और घर का वातावरण भारी हो जाता है। ये सबके ऊपर है। अगर आप अपने परिवार से अकेले भी ज्ञान में हैं, भाई या बहन, तो भी आप अकेले अपने घर के माहौल को खुशनुमा रख सकते हैं। बातों को जल्दी जल्दी खत्म कर दो, कुछ भी हो जाए मुख से सदैव यही बोलो, सब ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है, सब ठीक कर देगा।
ये अपने हाथ में है बातों को बढ़ाना या जल्दी समाप्त कर देना। ये नेचर मनुष्य जीवन के लिए बहुत सुंदर नेचर है कि हम अपनी और दूसरों की सभी बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करें और अपने मन में एक सुंदर संकल्प बसा लें। अभी इसे बसा लें आप, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हर पल मेरा हर सेकंड, मेरे भविष्य का हर क्षण बहुत सुंदर होगा। तो आपको अनुभव होगा हमारे संकल्प हमारे भविष्य के क्रिएटर हैं, निर्माता हैं। हम अपने संकल्पों के द्वारा अपने आज के भविष्य को, कल के भविष्य को और 5000 साल के भविष्य को सुंदर बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो संकल्पों को कहीं भी उलझाएंगे नहीं। प्रेम बहुत बड़ा खजाना है। जिस परिवार में प्रेम की गंगा बहती हो, जिस परिवार में खुशी और प्रेम का माहौल रहता हो, वहां लक्ष्मी का भी वास होता है। सभी ध्यान देंगे, वहां से समस्याएं विदाई ले जाती हैं। जिस परिवार में उलझने हो, जहां सभी टेंशन में रहते हो, जहां एक दूसरे को ईर्ष्या की दृष्टि से लोग देखते हो, वहां समस्याओं का आह्वान होता रहता है। सभी अटेंशन देंगे, खुशी और प्रेम, अपनों से प्रेम, ऐसा न हो अपनों से घृणा और परायों से प्रेम। आजकल समाज में ये बहुत हो रहा है, अपने बुरे लगते हैं, दूसरे अच्छे लगते हैं। आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए एक दूसरों के गुण देखना, एप्रिशिएट करना, एक दूसरे के कार्यों की प्रशंसा करना, ये बहुत सरल विधि है। घर में सभी अपने अपने घरों में ये एक नेचुरल संस्कार बनाएं, बच्चों को भी अप्रिशिएट करें, युगल हैं एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, अपने मन में भावना रख लें, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, हम और आप दोनों एक हैं। ध्यान देंगे, ये बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत काम की हैं। ये हमारे संबंधों को स्वीट बनाती हैं। तो एप्रिसिएशन, गुणग्राही दृष्टि, एक दूसरे को अच्छी फीलिंग से देखना, इससे घरों में वातावरण बहुत सुंदर हो जाएगा। मैं सभी की समस्या के लिए एक छोटा सा किसी का अनुभव आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, उससे आप सीख लें कि हम अपने संबंधों को बहुत स्वीट कैसे बना सकते हैं। किसी इंजीनियर ने मुझे फोन किया कि हमारे 3 बॉस मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी प्रमोशन नहीं होने देते, मुझे कष्ट दे रहे हैं, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ रही है, इच्छा होती है इन्हें मार डालूं। आप समझ सकते हैं कितना उसको गुस्सा और टेंशन हो रहा होगा। मैंने कहा, मरने मारने की बात क्या करनी है, तुम्हें तो सबको जीवन दान देना है भाई, एक छोटा सा प्रयोग कर लो। मैंने कहा 21 दिन करना, पर आप देखेंगे कितना बड़ा काम किया इस छोटे से प्रयोग ने। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की सवेरे उठकर 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फिर उन तीनों को देखना और संकल्प करना, ये तीनों मेरे गुड फ्रेंड हैं, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। 3 दिन करने के बाद 4th दिन ही उसका फोन आ गया कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है। सोच लें आप, हमारी अपनी नेगेटिव एनर्जी दूसरों को कष्ट देती है, हमारे लिए कष्ट पैदा करती है, हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती है, बैरियर्स खड़े कर देती है। हम अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करें,
सभी अपने को पहचान लें, हम साधारण नहीं हैं, इष्ट देव देवियां बैठी हैं। हमारा एक एक संकल्प बहुत गहराई से दूसरों पर प्रभाव डाल रहा है। हम अपने संकल्पों के वाइब्रेशन से अपने घर के माहौल को सुंदर बना सकते हैं। इसका सभी अभ्यास करेंगे। मैं आप सभी को एक लक्ष्य देना चाहता हूं और उसकी प्रैक्टिस हम थोड़ी देर के बाद यहां करेंगे। जो भी अपने परिवारों को समस्याओं से मुक्त करना चाहते हैं, अपने घरों में 3 बार 10-10-10 मिनट 3 तरह से योग अभ्यास करेंगे। आपका घर सचमुच महान तीर्थ बन जाएगा। पहला 10 मिनट आप अपने टाइमिंग खुद फिक्स कर लें, मुरली से पहले, मुरली में जब आते हैं तब, या मुरली के बाद, दोपहर से पहले, इवनिंग टाइम, रात को, कभी भी पहला अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे आंखों के सामने है, ऐसे उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, रंग बिरंगी, मुझसे चारों ओर पूरे घर में फैल रही हैं। बिल्कुल ऐसा देखना, हमारा घर ज्ञान सूर्य की किरणों से भर रहा है। 10 मिनट आपको करना है। जिन भाई बहनों को योग अच्छा नहीं लग रहा है, जो सफल नहीं हो रहे हैं, वो इस संकल्प को 1 मिनट में 1 बार कर लें, यानी 10 मिनट में 10 बार मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, सामने ज्ञान सूर्य बाबा, उसकी रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे पूरे घर में फैल रही हैं। रेड लाइट। चलें सभी, केवल 2 मिनट। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मेरे सामने ज्ञान सूर्य शिव बाबा, सामने देखें बिल्कुल स्पष्ट चमकती हुई महाज्योति, उनसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। वो सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। बाबा के मिलन के सुख के लिए सभी अपने मन को आदेश दे दें, हे मेरे मन आज शांत, कहीं नहीं जाना है तुम्हें, मुझे अपने परम प्रियतम से मिलन का आनंद लेना है। अपने मन को अपना सच्चा फ्रेंड बना लेंगे। दूसरा अभ्यास अपने घरों में करेंगे। चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने का ऐसा अनुभव करेंगे कि हमारे सारे घर में या सेवा स्थान पर
पवित्रता की सफेद किरणें फैल गई हैं, भरपूर हो गया है घर सफेद किरणों से। और सभी जानते हैं बाबा की बात, जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है। चाहे आप अपने घर में अकेले हैं, एक महान आत्मा की पवित्र वाइब्रेशंस सारे परिवार को सुख शांति से भर देंगे। दूसरी प्रैक्टिस 10 मिनट की ये करेंगे, वही विधि अपनाएंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से पवित्रता की सफेद किरणें फैलती हैं। परम धाम में पवित्रता के सागर से बाबा हैं, उनके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करेंगे, उनसे पवित्रता की सफेद किरणें मुझे आ रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं। लाल लाइट, रेड लाइट वाले हैं, चलें सभी 2 मिनट फिर से अभ्यास करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। कमल आसन पर विराजमान, पवित्रता के बल से संपन्न, मेरे अंग अंग से पवित्रता की सफेद किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम धाम में पवित्रता के सागर महाज्योति को देखें, उनकी पवित्र किरणें जैसे सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। अब ये पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं, सफेद किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। ओम शांति। ये दूसरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे अनुभव होंगे, अपनी प्योरिटी बढ़ेगी, दूसरे परिवार के सभी लोगों को पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। बुरे व्यसन, पीना खाना, जो आजकल गंदगी है, उससे आपका घर मुक्त हो जाएगा। आज प्रभु मिलन का सुंदर दिन है, आप सभी बहुत आनंद पूर्वक श्रेष्ठ इच्छाओं के साथ कि बाबा से हमें आज बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ बैठे हैं। बाबा को भी अपने बच्चों से, हम सभी से बहुत प्यार है, और वो हमें अपना सब कुछ देने आते हैं, हमें भरपूर करने आते हैं। हम अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से एकाग्र करके बैठेंगे तो बाबा अपनी शक्तियां, अपना वरदान, अपना प्रेम, अपनी शांति हमें प्रदान करेंगे। अपने अपने घरों में तीसरा अभ्यास करना है सभी को, 10 मिनट के लिए
श्याम के समय अपने घर में शक्तियों की किरणें फैलानी हैं। और याद रखेंगे, जिस घर के वाइब्रेशंस शक्तिशाली हो जाएं, वहां न भूत प्रेतों का प्रभाव रह सकता, न तंत्र मंत्र कोई काम कर सकता, ब्लैक मैजिक फेल हो जाएगा और वो घर समस्याओं से मुक्त रहेगा। ऐसे ही अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। लक्ष्य बना लेंगे हमें अपने स्थान को शक्तियों से भरपूर करना है। बहुत अच्छी तरह अपने चित्त में समा लें, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है और सभी समस्याओं का समाधान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्मृति में समाया हुआ है। ऐसी कोई समस्या नहीं संसार में जो शक्तियों के वाइब्रेशन से नष्ट न हो जाए। बड़ी से बड़ी समस्या को भी शक्तिशाली वाइब्रेशंस देकर समाप्त किया जा सकता है। तो चलें अब 2 मिनट ऐसा अभ्यास करेंगे, हमारी शक्तियों के वाइब्रेशंस न केवल हमारे घर में सारे संसार में फैल जाएं। इतने भाई बहने 20,000 सभी अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियों से भरपूर हूँ, सर्वशक्तिवान ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं, स्वीकार कर लें। मैं शक्ति संपन्न, बहुत शक्तिशाली, एक ऊपर सर्वशक्तिवान सबसे अधिक शक्तिशाली और नीचे मैं बहुत शक्तिशाली। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम धाम में सर्वशक्तिवान उनकी शक्तियों की किरणों से सारा ब्रह्मलोक आलोकित हो रहा है। देखें उनका ये दिव्य स्वरूप, उनकी शक्तियों की किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे, सभी बुद्धिमान हैं। बाबा साधारण गांव की माताओं को देखकर भी कहते हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, जो इस धरा पर अवतरित बाबा को पहचाना है। सभी बुद्धिमान बाबा के बच्चे अपने जीवन को, अपने मन को और अपने परिवार के वातावरण को बहुत हल्का करें। सभी मेरे साथ संकल्प करें, हमें अपने जीवन को एंजॉय करना है,
हमें अपने जीवन की यात्रा को सुखद बनाना है। भगवान का साथ मिल गया है इस जीवन की यात्रा में, हमें इसको आनंद से भरपूर करना है। ऐसा सुंदर समय चारों युगों में दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। भरपूर फायदा उठाएं इस समय का। भाग्य विधाता खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। चूक न जाएं, खाली न रह जाएं। जब हम इस संसार से वापिस जाएं, भरपूर होकर जाएं, खाली हाथ नहीं भरपूर होकर जाएं। सभी को मैं इसी में एक बात और कहना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कोई बंधन है, चाहे आपके अपने जीवन में या परिवार के जीवन में बच्चों से या किसी साथी से कोई समस्या है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ हर परिस्थिति में किया जा सकता है। अपने पास स्लोगन रख लें, बुद्धिमान और समझदार वही है जो हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का श्रेष्ठ मार्ग निकाल ले। ये नहीं तो ये, ऐसे नहीं तो ऐसे। जिसको करना है उसको करने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। सभी अपने अपने परिवारों में इस बात को पक्का करें। कई भाई बहने सोचते रहते हैं, यहाँ तो सब अच्छा है, पर घर जाते हैं तो ये समस्या है, ये समस्या है, हम कर नहीं पाते, ये व्यक्ति हमें रोकता है, बच्चे नहीं करने देते। इस संकल्प को यहीं छोड़ दें। बाबा ने हमें बहुत सारी विधियां बताई हैं श्रेष्ठ साधनाओं की, जिनको हम कर्म क्षेत्र पर कर सकते हैं। और बाबा का ही ये महावाक्य याद रखेंगे, स्व स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। हमारी बिगड़ी हुई स्थिति परिस्थितियों को जन्म दे रही है, तो अपने घर के वातावरण को बहुत हल्का बनाएंगे। इसमें एक लास्ट बात कहकर फिर मैं, जो पहली बार बाबा के मिलने के लिए सब आए हैं, उनके लिए एक सुंदर नशे युक्त विधि रख देता हूं। एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी, एक बहुत स्वर्णिम अवसर बाबा ने हम सबको दिया है, और वो है, अपने मन के सभी बोझ मुझे अर्पित कर दो। फायदा उठाएं इस अवसर का। रोज रात को सोने से पहले अपने सारे मन के बोझ, मन की दुविधाएं, मन की समस्याएं बाबा को सुना दें। महसूस होगा सवेरे से ही बाबा की शक्तियां मिलने लगी और हम उन बातों से मुक्त हो गए। बहुत सुंदर अवसर है ये, बहुत सुंदर वरदान है सबके साथ। अपने मन के बोझ स्वयं लेकर न सोएं, अपने मन के बोझ स्वयं लेकर न जीवन की यात्रा करें। साथी बहुत पावरफुल है, उसने वचन दिया है, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? भगवान वचन दे रहा है, फायदा उठाएंगे। अब हम बाबा से मिलने के लिए अपने को पूरी तरह तैयार करते हैं, मन पूरी तरह एकाग्र। और इसके लिए एक सुंदर प्रैक्टिस जो सभी को रोज योग अभ्यास करने से पहले ही कर लेनी चाहिए। मैं आत्मा चमकती हुई तेजस्वी आत्मा भ्रकुटि सिंहासन पर हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। बिल्कुल अपने को इस सोनान की सीट में ले आएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी, इस प्रकृति की मालिक मन बुद्धि की मालिक हूँ। इस गुड फीलिंग में लाकर अपने मन को आदेश देंगे, शांत।
आप इसका अनुभव करेंगे बहुत सुंदर कि मन हमारे आदेश का पालन करने लगा है। रोज करेंगे, एक दिन में नहीं हो सकता, रोज प्रैक्टिस करेंगे दो चार बार। हे मेरे मन, तू मेरा गुड फ्रेंड है, श्याम अब मुझे सहयोग करो, मुझे ईश्वरीय आनंद लेना है। फिर बुद्धि से बात करें, हे मेरी बुद्धि एकाग्र, बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाओ। आज तुम्हारे सामने वो बैठा होगा जिसे तुम देखना चाहते थे, उसे जी भर के देख लो। अपनी बुद्धि से बातें करना, हे मेरी दिव्य बुद्धि, आज जो कुछ बाबा मुझे कहे उसे तू साथ साथ धारण कर लेना। यह आदेश देकर आप सब देखेंगे और इसका गुड रिजल्ट क्या होता है उसको आज ही अनुभव करेंगे। चलें 2 मिनट के लिए फिर से बिल्कुल एकाग्र। मैं तेजस्वी आत्मा, चमकती हुई मणि, मास्टर सर्वशक्तिवान, भ्रकुटी सिंहासन पर अपना स्वरूप स्पष्ट देखें। केवल मैं, देह मानो है ही नहीं, इस सभा में कोई नहीं, केवल मैं। अपने मन से बात करें, हे मेरे मन, तू एक महान आत्मा का मन है, तू मेरा गुड फ्रेंड है, अब शांत। तूने चारों ओर भटक कर देख लिया, अब शांत। हे मेरी बुद्धि, तू एक योगी की बुद्धि है, तू दिव्य है, स्थिर हो जा। केवल एक बाबा ही दिखाई दे, आज जो कुछ बाबा कहे उसे तू साथ साथ ग्रहण कर लेना। ओम शांति। बाबा से मिलन कराने के लिए दादी जी हमारे बीच में आएंगी। हमें तो याद है वो दिन, बहनों को भी याद हैं, जब बाबा 10-10 घंटे, 12 घंटे और एक दिन 16 घंटे भी बैठे। बहुत पालना की है बाबा ने हमारी, प्यार बरसाया है, श्रृंगार किया है हम सबका। आज फिर से मिलन की मधुर वेला है। पहले बाबा को भोग लगता है, अब सभी सुन लेंगे और जो उठ रहे हैं वो बैठ जाएं, आपको छुट्टी मिलेगी उठने की, बैठ जाएं, आपको छुट्टी मिलेगी। बाबा के आह्वान में गीत बजेंगे और हम सभी बहुत एकाग्र होकर बैठेंगे। एक अभ्यास मैं आपके सामने रख रहा हूं, गीत बजते हुए उसका अभ्यास करेंगे कि बाबा ऊपर से नीचे आने को तैयार है और अपनी किरणें हम पर डाल रहा है। उसकी किरणें पड़ रही हैं हम सब के ऊपर। बार बार ये अभ्यास करेंगे, जितनी देर में बाबा आएंगे 10 मिनट, बस बाबा की किरणें पड़ रही हैं,
उसकी शक्तियां हम में भरती जा रही हैं। बाबा हमारे सामने आ जाते हैं, सफेद लाइट होगी। आप सभी को बार बार कह दिया गया है कोई भी ताली नहीं बजाएंगे। अगर एक दो कोई ताली बजाए भी तो दूसरों का कर्तव्य है शांत रहना। ये नहीं एक ने ताली बजाई तो सबको बजानी ही है। लोग सोचते हैं कोई ताली बजा रहा है तो हमें बजानी ही चाहिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल शांत, सामने भगवान बैठा है, आने वाला है, बिल्कुल एकाग्र। अब बाबा हमारे सामने, बाबा के महाज्योति स्वरूप को अपनी बुद्धि से देखते रहेंगे। बाबा 10 मिनट तक दृष्टि देते हैं, अपने से बातें करते रहेंगे। वाह मेरा भाग्य, सामने भगवान बैठा है, जिसको देखने के लिए ये नैन तरसते थे वो आज सम्मुख है। अपने भाग्य का गुणगान करेंगे और अपनी बुद्धि के नेत्र को बाबा के स्वरूप पर स्थिर करेंगे। अब संकल्प कर लें, सामने बाबा बैठकर हमें योग करा रहा है, दृष्टि दे रहा है। बाबा की किरणें सारी सभा में पड़ रही होंगी। आप अपनी बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर स्थिर करेंगे तो बाबा की शक्तियों की समस्त किरणें समाती रहेंगी। ये इंतजार कोई न करे कि बाबा मेरी ओर नहीं देख रहा है, पीछे नहीं देख रहा है, कोने में नहीं देख रहा है। आप जानते हैं उसकी दृष्टि से कोई छुपा हुआ नहीं होता। अभी से उसकी दृष्टि हमें मिल रही है, अभी से उसका प्यार हम सब पर बरस रहा है। फील करेंगे अपने मन को, जिस तरह की फीलिंग से भरेंगे वही फीलिंग बाबा से प्राप्त होती रहेगी। उसके प्यार के संकल्प करेंगे, तुम्हें देखने के लिए हम कितने प्यासे थे, आज वो दिन आ गया। हमारी जन्म जन्म की भक्ति फलीभूत हो रही है। वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, ये गुणगान करते हुए दृष्टि लेंगे। बाबा की दृष्टि में आप जानते ही हैं, शब्द उसके लिए नहीं है, सबसे ज्यादा प्रभाव है निहाल करने वाली दृष्टि। मुझे भाई बहने अनुभव सुनाते रहे हैं, हर साल बाबा की दृष्टि पड़ी, हमारी समस्याएं लोप हो गई। बाबा की दृष्टि पड़ी, 10 साल का सिर दर्द खत्म हो गया। बाबा की दृष्टि पड़ी, ये संस्कार था सदा के लिए नष्ट हो गया। बाबा की किरणें इस होल में फैलेंगी, आप किसी संकल्प के साथ दृष्टि लेंगे, दृष्टि बाबा पर स्थिर करेंगे। कोई अपनी विशेष चीज त्याग कर देंगे, बाबा को अर्पित कर देंगे, बाबा उसे ले लेता है और बदले में वरदान और शक्तियां दे देता है। तो बहुत अच्छे संकल्पों के साथ दृष्टि लेंगे, फिर बाबा की मुरली चलेगी। मुरली सुनते हुए भी सभी अभ्यास करेंगे, जो कुछ बाबा सुना रहा है उसका साथ साथ आनंद, उसमें मगन होते जाएंगे। भगवान हमसे बातें कर रहा है, भाषण नहीं, हमारा परम पिता प्यार का सागर हमें कुछ कह रहा है, हमसे बातें कर रहा है, अपनी गुड फीलिंग दे रहा है। इस संकल्प के साथ मुरली का रस लेंगे, पूरी एकाग्रता। दो अभ्यास आप कर सकेंगे, मैं आत्मा यहाँ बैठ कर सुन रही हूँ, या मैं फरिश्ता बाबा से सुन रहा हूँ। सामने और भी जो मुरली का बहुत रस लेते हैं हमेशा, सामने सर्वशक्तिमान पर अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए सुनते रहेंगे। आपको सारी लिखने की जरूरत नहीं, आपको मिलेगी मुरली, मुख्य बातें आप लिख लें और बाबा से शक्तियां, बाबा की सुंदर एनर्जी प्राप्त करते रहें। फिर बाबा को भोग लगता है, आनंद लेंगे। आज भगवान कैसे भोग खाता है, देखने का आनंद, वो कैसे देखता है, आनंद।
वो कैसे सुनता है, कैसे बोलता है। और संकल्प कर लें, बहुत सुंदर संकल्प लास्ट में आपको देना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप सभी दिल से ये संकल्प करेंगे कि आज जिन कानों से डायरेक्ट भगवान से गीता ज्ञान सुन रहे हैं, उन कानों से व्यर्थ कुछ नहीं सुनेंगे। जिन आंखों से आज भगवान को देख रहे हैं, जिन आंखों से प्रभु मिलन का सुंदर दृश्य देख रहे हैं, जिन आंखों से प्रभु को आते हुए देख रहे हैं, उन आंखों से किसी की बुराई गंदगी नहीं देखेंगे। हमारा ये मुख प्रभु संदेश देने के लिए है, हमारा ये मुख अमृत बरसाने के लिए है। ऐसे सुंदर संकल्पों के साथ सभी अपने से संकल्प लें, हमारा ये मिलन सदा के लिए यादगार हो, हमारे जीवन के सभी क्लेश नष्ट करने वाला हो, हमारे जीवन की यात्राओं पर फूल बिछाने वाला हो। और रोज यही मिलन हम करते रहें, रोज कम से कम एक बार अमृत वेले प्रभु मिलन का सुख लेंगे, इसी तरह जैसे आज लेंगे, तो जीवन वरदानों की खान बन जाएगा। और अब मैं समाप्त करूंगा एक बात कहकर, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जो श्रेष्ठ योगी हैं, जो बाबा के बुद्धिमान बच्चे हैं, वो अपने को तैयार करें। वो समय समीप आ गया है जब हमें संसार को बहुत कुछ देना है।